जो भी इंसान कोई काम पहली बार करता है तो उसको नकारने वाले और उसका विरोध करने वाले बहुत सारे होते हैं, जो बोलते हैं कि तुम्हारा सपना इम्पॉसिबल है। आप सोच कर देखो कि जब एडिसन ने बोला होगा कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे आपका कमरा जगमगा जाएगा, सोचो उनको क्या प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स मिला होगा। और ऐसा ही कुछ ग्राहम बेल के साथ हुआ होगा, जिन्होंने फोन की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था। आप इस फैक्ट, इस तथ्य पर भरोसा कर सकते हैं कि यदि आपके पास एक बड़ा सपना है और आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, तो वो इस बात का प्रमाण है, इट्स ए प्रूफ कि आप इसे कर सकते हैं। पीटर फोयो दुनिया के कुछ बेहतरीन CEO में से एक है। यह 17,000 लोगों को लीड करते हैं। यह नेक्स्टेल कम्युनिकेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में इनका बहुत नाम है। कहते हैं कि हम सबको नेगेटिव लोगों को झेलना पड़ता है। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए मुझे सबसे बड़े विरोधियों से मुकाबला करना पड़ा है। पीटर फोयो को अपने विरोधियों से हर दिशा से लड़ना पड़ा, जैसे कंपटीटर्स, इन्वेस्टर्स, सरकारी ऑफिसर्स जो उनको अपने सपने पूरा करने में रोक सकते थे। इन सब दिक्कतों परेशानियों से गुजरते हुए भी उन्होंने नेक्स्टेल मेक्सिको को दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनियों के तौर पर खड़ा किया, जहां आज उसमें 17,000 लोग अपने 40 लाख कस्टमर्स की सेवा करते हैं और टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम खड़ा किया है। मास्टन किप एक लॉस एंजलिस के म्यूजिक इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव हैं। वो अपनी ड्रग्स और शराब की आदतों से एक समय पर बर्बाद हो गए थे और वो दोबारा उठे और एक इंस्पिरेशनल ब्लॉगर बने द डेली लव के नाम से। कहते हैं कि नकारात्मक लोग और विरोधी आपके सपनों की यात्रा का एक हिस्सा है। पहचाने कि यदि आप सफल हैं, यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपसे प्यार करेंगे तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे। मैं इन चीजों को सफलता का संकेत मानता हूँ। एनेस्टेसिया सुआरे, यह एक ब्यूटी आइकन है। इन्होंने सिर्फ आईब्रोज के बिजनेस से इतना नाम कमाया है कि वो रोमानिया की 4th रिचेस्ट पर्सन है। इनकी खुद की कहानी ही मुश्किलों से भरी है। कहती हैं कि 1995 में मैं इतना बिजी थी कि मैंने सोचा मैं एक स्टोर बेवरली हिल्स में खोल लेती हूँ। बेवरली हिल्स एक बहुत महंगी जगह है। जब मैं मकान मालिक के पास गई तो उसने बोला कि क्या तुम पागल हो, तुम किराया भी नहीं निकाल पाओगी आईब्रोज बनाने में। वो मुझे अपनी जगह नहीं देना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं कितनी पागल, कि मुझे किसी भी हालत में वो स्टोर चाहिए था, तो उसने मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए अपनी जगह दी और पहले ही हफ्ते में मेरे स्टोर के बाहर लाइन लगी थी। फिर एक दिन उसने मुझे फोन किया और बोला कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम सच में वहाँ आईब्रोज ही बनाती हो। लेड हैमिल्टन, बिग वेव सर्फर, मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर, कहते हैं विरोधी और नकारात्मक लोग हमेशा मौजूद रहते हैं और अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं तो आप हमेशा इससे प्रभावित होने वाले हो। आप इन पर क्या प्रतिक्रिया देते हो, इसका शिकार मत बनो, क्योंकि तब वो लोग अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आपके विरोधी लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप कैसा रिएक्ट करते हो, अगर आप एक विरोधी या नेगेटिव इंसान से अफेक्ट होते हो या प्रभावित होते हो, तो आप अपने आप को खोल देते हो दूसरों के लिए। इन सब चीजों से परेशान ना हो, आपको बस इसका उल्टा करना है। उनकी नेगेटिव बातों से परेशान ना हो, बल्कि उनके शब्द आपको एक नई ऊर्जा, देयर वर्ड्स कैन इवन इंस्पायर यू, जो आपको अपने सपने को पाने के लिए प्रेरित करता है। पीटर फोयो कहते हैं सफलता को पाने के रूप में एक विरोधी या नकारात्मक चीज को लेना एक शानदार एहसास है। वे वास्तव में आपको खुश रहने और अधिक सफल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ाते हैं। पीटर बोवॉश, यह एक टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। दुनिया के एक जाने माने टेनिस कोच हैं। इनकी कोचिंग कंपनी 32 देशों में अपनी कोचिंग प्रोवाइड कराती है। कहते हैं कि मैं आलोचना से उतना परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। स्टारबक्स के CEO और चेयरमैन कहते हैं, मुझे बहुत बार बोला गया कि ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा बार बार बोला गया है, और मैंने उस चीज को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी और उसको पूरा किया। आपके विरोधी या नकारात्मक लोग आपको दूसरा रास्ता भी दिखाते हैं, एक अच्छा रास्ता। हो सकता है कि आपने अपने दिमाग में यह तय कर लिया हो कि आपका सपना कैसा होगा या ऐसे पूरा होगा, और जैसे ही आप उस रास्ते पर चलते हैं, आप उन विरोधियों से मिलते हैं जो आप डिसीजन लेने वाले होते हैं, वो उनको बदल देते हैं।
और वे आपके सपने को उसके रास्ते में रोक देते हैं। आगे जाने की बजाय आप दूसरे रास्ते की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए एक और रास्ता खोजते हैं कि आप जिस रास्ते पर थे उससे कहीं बेहतर है, और आपको शायद बाद में पता लगे जिस रास्ते पर आप थे उससे ये रास्ता बेहतर है। पीटर फोयो कहते हैं कि जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बेहद नकारात्मक होते हैं, तो वे वास्तव में उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, और वो मुझे सही दिशा में और भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बनाम मुझे वापस खींचते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो मुझे पीछे खींचते हैं। पीटर बोवोश कहते हैं कि जब मैं कनाडा में खेल रहा था, तब वहाँ के टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मुझे एक खत लिखकर कहा कि तुम्हें ये खेल छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम बहुत खराब खेलते हो, लेकिन मैंने उस चीज को एक रुकावट ना लेकर एक चुनौती की तरह लिया। जब मैं कनाडा में खेलने के लिए लौटा नेशनल चैंपियनशिप में, मैं उस मैच के आखिरी राउंड के लिए साइड बदलने और सर्विस करने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने वह लेटर निकाला और उसको देखा जहां उस आदमी ने लिखा था कि मैं बहुत खराब खेलता हूं, और सोचा कि मैं अब नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाला हूं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।